हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप सबको अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ पनीर और आलू के पराठे, क्योंकि आज है संडे और कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनना चाहिए। तो आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसको कर लिया था मैश, और फिर पनीर को भी अच्छे से मैंने उसका पानी को जो सुखा दिया था उसको भी मैश कर लिया है। इसमें दे दिया है ढेर सारा प्याज, हरी मिर्च और धनिया के पत्ते और नमक, और इसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से मैश। और पनीर के भी को भी ना मैंने अच्छे से रात को ही उसको निकाल के कपड़े में बांध के रख दिया था कि ताकि ज़रा सा भी पानी ना रहे, नहीं तो हमारे जो पराठे हैं ना वो फट जाएंगे इस वजह से। और सबको मैश करके मैं अब चली हूँ उसको मतलब भरने और पराठे बनाने। और आटा को मैंने पहले ही लगा के रख दिया था कि आटा को ना रेस्ट देने से ना पराठे जो है फटते नहीं हैं इस वजह से। और अच्छे से फिलिंग को मैंने कर भर लिया है और धीरे धीरे इसको हम लोग बेलेंगे। पहले हाथ से मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया था ताकि हमारे जो पराठे फटे नहीं, क्योंकि उसमें दिए थे हमने कच्चे प्याज और तवा हो गया था मेरा गर्म, तो मैं इसमें लगा दे रही थोड़ा सा तेल ताकि मेरे पराठे जो चिपके ना तवा में, नहीं तो पराठे जब अगर तवा में दो ना तो वो चिपक जाते हैं, तो फिर फटने की डर रहती है। इस वजह से तो तवा को मैंने कर लिया था गर्म और उसमें थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से पराठे को अलट पलट के आप सेक लेंगे। आप चाहे तो घी ऑयल कुछ भी लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पे रिफाइन ही लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे घी नहीं खाते हैं इस वजह से। और इसको अच्छे से धीमी आंच में अलट पलट के मैं इसको सेक ले रही हूँ और तब तक दूसरा पराठा भी मैं बेल रही हूँ। और धीरे धीरे बनाओ ताकि क्रिस्पी बने अंदर से भी सीके। और दूसरा पराठा भी मैं बना के कर रही हूँ रेडी। और ये छोटा सा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किया है, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।